हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टू स्टडी क्लासेस। आज दी इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास के लिए हिस्टरी तुहाडा सब्जेक्ट है जिहड़ा उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो तुहाडा सैकेंड टर्म का फाइनल एग्जाम होना उसके लिए ये बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न ने जिहड़े तुहानू करवा रही हां मैं इस वीडियो दे विच, जो कि शांति मॉडल टैसट पेपर है जिहड़ा शांति टैसट पेपर आ उसके लए गए ने, सिलैक्टड क्वेश्चन ने। तो जिहड़े तुहाडे लोंग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कीतियां ने उन्होंने जो तुम ध्यान देखोगे तो उन्होंने विचों भी है जोड़े तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन के जोड़े आंसर निकल रहे हैं उन्होंने ध्यान न रीड करना। तो उस तो इलावा जोड़े शॉर्ट क्वेश्चन ने इस वीडियो मैं थोड़े न शेयर करा। फस्ट अपने को ट्वैल्थ चैप्टर है जोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके ही शॉर्ट क्वेश्चन ने। फस्ट है जी, अब्दुल समद खां के जुल्मों तो बचने सिख कि शरण लेंदे सन। इस क्वेश्चन का जोड़ा आंसर है अपने को लखी जंगलों के शिवालिक पहाड़ियों, अब्दुल समद खां के जुल्मों तो बचने सिख खिते शरण लेंदे सी लखी जंगलों ते शिवालिक पहाड़ियों विच। सैकेंड क्वेश्चन है, बंदा सिंह बहादुर की शहीदी तो बाद सिख केड़े दो संप्रदावां विच वंडे गए, तत् खालसा ते बंदई खालसा। केड़े दो संप्रदावां विच वंडे गए सी, तत् खालसा ते बंदई खालसा विच। थर्ड, तत् खालसा वाले केड़े रंग के कपड़े पहनते सन, नीले रंग के। दो संप्रदावों में वंडे गए सी, तत् खालसा ते बंदई खालसा, ते तत् खालसा वाले जिहड़े कपड़े किस कलर दे जिहड़े किहड़े रंग दे पाउंदे सी, नीले रंग दे। फोर्थ क्वेश्चन है, बंदई खालसा वाले किहड़े रंग दे कपड़े पहनते सन, लाल रंग दे। ध्यान नाल याद करना कि तत् खालसा वाले सी जिहड़े ओह नीले रंग दे कपड़े पाउंदे सी, ते बंदई खालसा वाले लाल रंग दे। पंजवां है जी, तत् खालसा वाले किस दे असूलां ते दृढ़ सन, गुरु गोबिंद सिंह जी दे। सिक्स्थ क्वेश्चन, बंदई खालसा वाले किस दे असूलों ते चलते सन, बंदा सिंह बहादुर के। तत् खालसा वाले गुरु गोबिंद सिंह जी दे, ते बंदई खालसा वाले किस दे असूलों ते चलते सन, बंदा सिंह बहादुर के। सैवंथ क्वेश्चन, तत् खालसा ते बंदई खालसा विच समझौता किसने करवाया, भाई मनी सिंह जी ने। भाई मनी सिंह कौन सन, श्री हरिमंदर साहब के मुख। भाई मनी सिंह कौन सन, श्री हरिमंदर साहिब के मुख। एट्थ क्वेश्चन सी अपने को, नाइनथ है जी, तत् खालसा ते बंदई खालसा विचकार समझौता कदों अते किथे होया। तत् खालसा ते बंदई खालसा विचकार समझौता करवाया भाई मनी सिंह जी ने सी। हुण आपणे दसना कि यह समझौता कदों ते किथे होया, 1721 ईस्वी नूं श्री अमृतसर साहिब, 1721 ईस्वी विच श्री अमृतसर साहिब विच होया सी। दसवां प्रश्न, जकरिया खां कौन सी, अब्दुल समद खां का पुत्र सी। जकरिया खां कौन सी, अब्दुल समद खां का पुत्र। नैक्सट क्वेश्चन, जकरिया खान लाहौर का सूबेदार कदों बनया, 1726 नूं। पुत्र किसका सी, अब्दुल समद खां का, जकरिया खां। तो जकरिया खान लाहौर का सूबेदार कदों बनया, 1726 ईस्वी विच। जकरिया खां सिखां नूं कित्थे शहीद करवाउंदा सी, लाहौर दे दिल्ली गेट विच, नक्सक नां दे स्थान ते। लाहौर दे दिल्ली गेट विच, नक्स नां दे स्थान ते। सिखां दी शहीदी कारण नक्स नां दा नां की पै गया, शहीदगंज। सिखां दी शहीदी कारण नक्स नां दा नां की पै गया, शहीदगंज। नैक्सट क्वेश्चन, भाई तारा सिंह दा सिंह वांग कित्थों दे वसनीक सन, अमृतसर दे पिंड वांदे, अमृतसर साहिब दे पिंड वांदे। क्वेश्चन दे विच जिहड़ा तुहानू आंसर मिल जाएगा। नैक्सट है जी अपने कोल, नौशीरे दा केड़ा चौधरी अपने घोड़े सिखां दे खेतां विच छड्डदा सी, साहिब राय। 16वां प्रश्न है, भाई तारा सिंह ने किन्ने साथियों नाल मुगल फौजां दा मुकाबला किया, 22। भाई तारा सिंह नाल किन्ने साथी सी जदों उन्होंने मुगल फौजां दा मुकाबला किया सी, 22। नैक्सट क्वेश्चन, जकरिया खां ने सिखां नाल समझौता कदों किया, 1733 ईस्वी विच। जकरिया खां ने सिखां नाल समझौता 1733 ईस्वी विच किया सी। जकरिया खां का जन्म अपने को 1726 ईस्वी सी। नैक्सट क्वेश्चन है, सिखां दे किहड़े नेता नूं नवाब दी उपाधि दित्ती गई, सरदार कपूर सिंह फैजलपुरिया। नवाब कपूर सिंह ने सिखां नूं संगठित कदों किया, 1734 ईस्वी विच। 20वां प्रश्न है, नवाब कपूर सिंह ने सिखां दे किहड़े दो जत्थे बनाए, बुढ़ा दल अते तरूणा दल।
दो दल से नवाब कपूर सिंह ने बनाए थे जेडे बुढ़ा दल और तरुणा दल। बुढ़ा दल में कितनी उम्र के सिख होंदे सन? 40 तो वध उम्र के। बुढ़ा दल में जेडे 40 तो वध उम्र के सिख होंदे सी। 22 नंबर प्रश्न, तरुणा दल नूं अगे किन्ने जत्थियां विच वंडिया गया? 5। तरुणा दल नूं अगे 5 जत्थियां विच वंडिया गया सी। बुढ़ा दल की काम करदा सी? धार्मिक स्थानां दी देखभाल। बुढ़ा दल की काम करदा सी? धार्मिक स्थानां दी देखभाल करदा सी। 9th क्वेश्चन है, तरुणा दल दा की काम सी? पहला आपां दस्सिया कि बुढ़ा दल दा की काम सी, धार्मिक स्थानां दी देखभाल करना। 24वां प्रश्न है अपने कोल, तरुणा दल दा की काम सी? दुश्मनां दा मुकाबला करना, क्योंकि जिहड़े तरुणा दल दे विच सी ओह सारे नौजवान उम्र दे नौजवान सी, ते जिहड़े बुढ़ा दल दे विच सी सारे 40 तो वध उम्र दे सिख सी। इस करके जिहड़ा बुढ़ा दल वालियां दा काम सी धार्मिक स्थानां दी देखभाल करना, ते तरुणा दल वालियां दा की काम सी दुश्मनां दा मुकाबला करना। 25 नंबर प्रश्न है अपना, जकरिया खान ने सिखां कोलों अपनी जागीर कदों वापस ली? जकरिया खान ने सिखां कोलों अपनी जागीर कदों वापस ली? 1765 ईस्वी विच। नैक्सट प्रश्न, भाई बोता सिंह ने अपने किहड़े साथी नाल रल के चौकी कायम की? भाई गरजा सिंह नाल। कौन से उन्होंने साथी? भाई गरजा सिंह। नैक्सट प्रश्न, भाई बोता सिंह ने सराय नूरदीन विखे चौकी क्यों स्थापित की? कारण की सी? सिखां दी होंद विखाउण लई। नैक्सट है, हरमिंदर साहिब की पवित्रता नूं भंग करन वाले किहड़े चौधरी दा भाई महताब सिंह अते भाई सुखा सिंह ने सिर वट दिता? मस्सा रंगड़ दा। मस्से रंगड़ दा सिर वड्या सी भाई सुखा सिंह ते चौधरी भाई महताब सिंह ने। किहड़े चौधरी सी? ओह मस्से रंगड़ दा। नैक्सट प्रश्न, भाई तारू सिंह नूं किवें शहीद किया गया? उन्हां दी खोपड़ी उतार दित्ती गई सी। नैक्सट प्रश्न, भाई तारू सिंह जी ने कदों शहीदी प्राप्त की? 1 जुलाई 1745 ईस्वी नूं। 1 जुलाई 1745 ईस्वी। जकरिया खान की मौत कदों हुई? 1 जुलाई 1745। दोनों की तरीक तो जिहड़ा सन आ बिल्कुल सेम आ। भाई तारू सिंह जी की शहीदी कदों हुई सी? 1 जुलाई 1745। तो जकरिया खान की मौत भी है जी 1 जुलाई 1745 ईस्वी में हुई सी। जाइया खान कौन सी? जकरिया खान का पुत्र। जाइया खान कौन सी? जकरिया खान का पुत्र सी। नैक्सट प्रश्न, जाइया खान लाहौर का सूबेदार कदों बनया? 1746 ईस्वी। 1745 जी जकरिया खान की मौत हुई उस तो 1 साल बाद है जिहड़ा ये लाहौर का सूबेदार बनया सी 1746 ईस्वी विच। नैक्सट प्रश्न, किस फौजदार दे फौजदार ने गुरु शब्द की वरतों की मनाही कर दी? दीवान लखपत राय। पहला घल्लूघारा कित्थे वापरिया? कानूवान विखे वापरिया। कानूवान विखे सी ते कदों? 1746 ईस्वी विच जदों जाइया खान जिहड़ा लाहौर का सूबेदार बनया सी उस समय जिहड़ा पहला घल्लूघारा वापरिया सी कानूवान विखे 1746 ईस्वी विच। नैक्सट प्रश्न, पहले घल्लूघारे विच मुगल फौज की अगवाई कौन कर रहा सी? जाइया खान ते लखपत राय। पहले घल्लूघारे विच जिहड़े मुगल फौज की अगवाई कौन कर रहे सी? लखपत राय ते जाइया खान। पहले घल्लूघारे विच किन्ने शहीद सिख शहीद होए? 7000। पहले घल्लूघारे विच जिहड़े 7000 सिख शहीद होए सी। नैक्सट प्रश्न, अब्दुल समद खान नूं लाहौर का सूबेदार किसने नियुक्त किया? फरुखसियर ने। अब्दुल समद खान कदों लाहौर का सूबेदार बनया? कदों बनया सी? 1713 ईस्वी विच। नैक्सट क्वेश्चन, अब्दुल समद खान ने किहड़े महान सिख जरनैल नूं गिरफ़्तार किया? बंदा सिंह बहादुर नूं। तुहानूं इह क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि बंदा सिंह बहादुर नूं किसने जिहड़ा कैद किया सी, तां उसका आंसर होएगा अब्दुल समद खान। सो इत्थे अपना आंसर आ गया कि अब्दुल समद खान ने किहड़े महान सिख जरनैल नूं गिरफ़्तार किया सी? बंदा सिंह बहादुर नूं। नैक्सट क्वेश्चन है, बंदा सिंह बहादुर नूं किहड़ी लड़ाई विच गिरफ़्तार किया गया? गुरदास नंगल की लड़ाई विच। नैक्सट है, अब्दुल समद खान के सिखां ते किते जुल्मां कारण फरुखसियर ने उसनू केड़ा सन्मान दिता? राज दी तलवार। अब्दुल समद खान के सिखां ते किते जुल्मां कारण फरुखसियर ने उसनू केड़ा सन्मान दिता सी? राज दी तलवार दा।
नैक्सट है अपने को एक होर क्वेश्चन, नादर शाह कौन सी? नादर शाह सी जड़ा ईरान का बादशाह सी। नादर शाह कौन सी? ईरान का बादशाह। नैक्सट है अपने को नैक्सट चैप्टर के विच्चों बुढ़ा दल तो की भाव है? बुढ़ा दल में 40 तो वडेरी उम्र के सिख शामिल सन। बुढ़ा दल तो की भाव है कि बुढ़ा दल में जो 40 तो वडेरी उम्र के सिख शामिल सन। इस तो अलावा एक एक्सट्रा क्वेश्चन इतने है कि सहजधारी सिख केड़े होंगे हैं, जां सहजधारी सिख किसनू कहा जाता है? इसका आंसर है अपने को यह ओह गैर सिख हैं जो सिख पंथ के सिद्धांतों में विश्वास रखते सन पर इस विच शामिल नहीं हुए सन। दोबारा तो सुन लो, सहजधारी सिख किसनू कहिंदे हन, किसनू कहा जाता सी? यह ओह गैर सिख हैं जो सिख पंथ के सिद्धांतों में विश्वास रखते सन पर इस विच शामिल नहीं हुए सन। कि उसके सिख पंथ के सिद्धांतों में तो विश्वास रखते सी पर उस विच शामिल नहीं हुए सी। नैक्सट है क्वेश्चन अपने को 1716 ईस्वी तो 1752 ईस्वी तक लाहौर के किसी एक मुगल सूबेदार का नाम दसो। 1713 च अपन पता है कि लाहौर का सूबेदार है जिहड़ा अब्दुल समद खां बनया सी, जिस तो कि अपन पता चल के 1716 ईस्वी तो 1752 ईस्वी तक किसी भी एक मुगल का दसना अपना अब्दुल समद खां का नाम लिखा। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच मुगल शासन का अंत कदों होया? 1752 ईस्वी विच। मुगलानी बेगम कौन सी? मीर मन्नू दी विधवा। मुगलानी बेगम कौन सी? मीर मन्नू दी विधवा। नैक्सट क्वेश्चन, मीर मन्नू दी सिखां विरुद्ध असफलता का कोई एक कारण दसो। सिखां दी गुरीला युद्ध नीति कारण केड़ी युद्ध नीति सी? गुरीला युद्ध नीति, जिस कारण जिहड़ा मीर मन्नू आ सिखां दे विरुद्ध असफल होया सी, सिखां दी गुरीला युद्ध नीति कारण। नैक्सट क्वेश्चन, मीर मन्नू लाहौर का सूबेदार कदों बनया? 1748 ईस्वी नूं। नैक्सट क्वेश्चन, जकरिया खां कौन सी लाहौर का सूबेदार? तत् खालसा ते बंदई खालसा तो की भाव है? पहला आपां ने देखिया कि जिहड़े दो संप्रदावां विच वंडे गए सी, तत् खालसा ते बंदई खालसा, हुण आपां इहनां दे विच की अंतर सी, इहनां तो की भाव सी तत् खालसा ते बंदई खालसा तो? तत् खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी के असूलों में, जबकि बंदई खालसा बंदा सिंह बहादुर के असूलों में विश्वास रखते सन। अपने तो क्वेश्चन पहला भी पूछा गया कि तत् खालसा वाले जिहड़े किन्हां दे असूलों में विश्वास रखते सी ते बंदई खालसा वाले किन्हां दे? इस दे विच अपना आंसर है कि तत् खालसा वाले जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के असूलों में विश्वास रखते सी, जबकि बंदई खालसा वाले जिहड़े बंदा सिंह बहादुर दी बंदा सिंह बहादुर के असूलों में विश्वास रखते सी। नैक्सट क्वेश्चन है, बुढ़ा दल और तरुणा दल का मोढ़ी कौन सी? नवाब कपूर सिंह। नवाब कपूर सिंह ने किहड़े दो दलों का निर्माण किया? किहड़े दो दलों का बनाए? उसके आंसर के अपने को बुढ़ा दल और तरुणा दल, तो अपन पता लग गया कि इसके मोढ़ी है जिहड़ा वो कौन सी? नवाब कपूर सिंह। भाई मनी सिंह जी कौन सी? हरिमंदर साहिब अमृतसर के मुख्य ग्रंथी। मीर मन्नू कौन सी? मीर मन्नू दिल्ली के वजीर कमरुद्दीन का पुत्र। मीर मन्नू दिल्ली के वजीर कमरुद्दीन का पुत्र से। मुगलानी बेगम पंजाब की सूबेदार कदों बनी थी? 1753 ईस्वी में। 1753 ईस्वी में जड़ी मुगलानी बेगम पंजाब की सूबेदार बनी थी, जो कि मीर मन्नू की विधवा सी। मीर मन्नू सिखां दा विरोधी क्यों सी? क्योंकि वह पंजाब विच सिखां दा वधदा होया प्रभाव सहन करन नूं तैयार नहीं सी। क्यों जिहड़ा वह सिखां दे विरुद्ध सी मीर मन्नू? क्योंकि वह पंजाब विच सिखां दा वधदा होया प्रभाव सहन करन नूं तैयार नहीं सी। कौड़ामल कौन सी? मीर मन्नू दा दीवान। कौड़ामल कौन सी? मीर मन्नू दा दीवान। इस तो इलावा क्वेश्चन है अपने को अदीना बेग कौन सी? कौड़ामल है जिहड़ा मीर मन्नू दा दीवान सी, अदीना बेग कौन सी? जलंधर दुआब दा फौजदार। जलंधर दुआब दा फौजदार सी अदीना बेग कौन सी? जलंधर दुआब दा फौजदार। नैक्सट है क्वेश्चन, मस्सा रंगड़ कौन सी? अमृतसर जिले के मंडियाला पिंड दा चौधरी सी। तरुणा दल तो की भाव है? तरुणा दल सिख नौजवानों का दल सी। तरुणा दल दे विच जिहड़े सिख नौजवान शामिल सी ते बुढ़ा दल दे विच 40 तो वधेरी उम्र के सिख शामिल सी। नैक्सट क्वेश्चन, हैदरी झंडे की घटना किस दे शासन काल विच होई? जकरिया खां दे, जो कि लाहौर का सूबेदार सी। जदों जकरिया खां सी उस समय जिहड़ी हैदरी झंडे की घटना जिहड़ी उह वापरी सी। पंजाब विच मुगलां दा आखिरी सूबेदार कौन सी? मीर मन्नू।
पंजाब विच मुगलों का आखिरी सूबेदार कौन सी? मीर मन्नू सी। 1752 ईस्वी तक रहा सी इसका शासन जड़ा। नैक्सट है चैप्टर 13 दल खालसा की उत्पत्ति इसते युद्ध प्रणाली। इस दे विच जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन तुसी देख सकते हो कि किहड़े इंपोर्टेंट ने। दल खालसा का मैंबर बनने लई जरूरी नियम किहड़े हुंदे सन? उस तो इलावा होर क्वेश्चन ने इत्थे दल खालसा की स्थापना कदों हुई? मेन क्वेश्चन है कि दल खालसा की जिहड़ी स्थापना कदों हुई सी? 29 मार्च 1748 ईस्वी नूं हुई सी। दल खालसा की स्थापना समय सिखां दे किन्ने जत्थे बने? 12। दल खालसा की स्थापना समय जिहड़े सिखां दे किन्ने जत्थे बने सी? 12। नैक्सट क्वेश्चन दल खालसा का प्रधान सैनापति कौन सी? सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जिहड़ा दल खालसा का प्रधान सैनापति सी ते उसनू जिहड़ी उपाधि की? इस तो इलावा जे तुहानू क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि जस्सा सिंह आलूवालिया नू किस नाम की उपाधि जिहड़ी दित्ती गई सी तां जिहड़ा उसका जिहड़ा राइट आंसर है तुहाडे कोल होएगा सुल्तान उल कौम की। किस ना की जिहड़ी उपाधि दित्ती गई सी? सुल्तान उल कौम की। एक तो वह प्रधान सैनापति सी दल खालसा दे, दूजा उन्होंने उपाधि दित्ती गई सी सुल्तान उल कौम की। सरबत खालसा का की भाव सी? समुची सिख संगत। नैक्सट क्वेश्चन सरबत खालसा का समागम कदों बुलाया जाता सी? दिवाली और विसाखी के मौके। सरबत खालसा का समागम कदों बुलाया जाता सी? दिवाली और विसाखी के मौके पर। नैक्सट क्वेश्चन सरबत खालसा का समागम कित्थे बुलाया जाता सी? श्री अमृतसर विखे। कदों? दिवाली ते विसाखी के मौके। कित्थे बुलाया जाता सी? अमृतसर साहिब विखे। दल खालसा की सेना का सब तो महत्वपूर्ण अंग केड़ा सी? घोड़सवार सेना। नैक्सट सिख केड़ी सेना विच शामिल होना पसंद नहीं करते सन? प्यादा सेना। दल खालसा के सैनिक केड़ी युद्ध प्रणाली नाल लड़ते सन? गुरीला जा छापा मार प्रणाली। जिस नीति करके वह मीर मन्नू तो जीते सी गुरीला जा छापा मार प्रणाली। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी तो बाद सिख केड़े दो संप्रदावों में वंडे गए? तत् खालसा ते बंदई खालसा। तत् खालसा वाले गुरु गोबिंद सिंह जी के असूलों पर विश्वास रखते सी ते बंदई खालसा वाले बंदा सिंह बहादुर के असूलों विच। जकरिया खान ने सिखा नाल समझौता कदों किया? 1733 ईस्वी विच। बुढ़ा दल अते तरुणा दल की स्थापना किसने की? नवाब कपूर सिंह ने। बुढ़ा दल अते तरुणा दल की स्थापना कदों हुई? कदों की गई सी? 1734 ईस्वी विच। 14 अक्टूबर 1745 ईस्वी के गुरमत अनुसार सिखा के किन्ने जत्थे बनाए गए? 25। 14 अक्टूबर 1745 ईस्वी के गुरमत अनुसार सिखा के किन्ने जत्थे बने सी? 25। नैक्सट है जी 17वां चैप्टर महाराजा रणजीत सिंह का जीवन अते जीतां। उस दे विचों जिहड़े इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ने, किस औरत ने महाराजा रणजीत सिंह दे मुढ़ले राजनीतिक जीवन विच उसकी उन्नति विच मदद की? महाराजा रणजीत सिंह दे मुढ़ले अते राजनीतिक जीवन विच अते उन्नति दे कम्मां विच उन्हां दी सस सदा कौर ने साथ दिता? उन्हां दी सस सदा कौर ने। जे तुहानू क्वेश्चन आ रहा है कि सदा कौर कौन सी, तो उसका जिहड़ा आंसर है अपने कोल होएगा कि वह महाराजा रणजीत सिंह की सस सी। नैक्सट क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह ने किहड़ियां 3 सिख मिसलां नाल मित्रता की नीति अपनाई? महाराजा रणजीत सिंह ने 3 सिख मिसलां नाल मित्रतापूर्ण नीति अपनाई जो सन आलूवालिया, रामगढ़िया ते डल्लेवालिया। किहड़ियां 3 मिसलां सी? आलूवालिया, रामगढ़िया ते डल्लेवालिया। किस सिख मिसल नाल जिहड़े वो संबंध रखते सी महाराजा रणजीत सिंह? शुकर चक्किया मिसल। तुहानू पता होना चाहिए इसका आंसर कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल नाल संबंध रखते सी? शुकर चक्किया मिसल। नैक्सट क्वेश्चन गुरमता की सी? महाराजा रणजीत सिंह ने इसका राजनीतिक संस्था वजो कदों खात्मा किया? गुरमता सिख मिसलों की केंद्रीय संस्था सी जिसका महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में खात्मा किया। कदों खात्मा किया सी? 1805 ईस्वी में। नैक्सट क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल नाल सी? शुकर चक्किया मिसल नाल। सदा कौर कौन सी? महाराजा रणजीत सिंह की सस सी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कदों होया? 13 नवंबर 1780 ईस्वी में। 13 नवंबर 1780 ईस्वी में जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होया। उन्होंने दादा जी का नाम की सी? चढ़त सिंह।
महाराजा रणजीत सिंह के दादे का की नाम सी? चढ़त सिंह। मुल्तान की जित का कोई एक महत्वपूर्ण प्रभाव दसो। इस जित नाल अफगाना की शक्ति भारी सट वजी। इस जित नाल अफगाना की शक्ति भारी सट वजी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर से कदों जित प्राप्त की? 7 जुलाई 1799। सदा कौर केड़ी मिसल नाल संबंधित सी? कन्हैया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह शुकर चक्किया मिसल नाल संबंधित सी। सदा कौर जिहड़े उन्हां दी सस सी ओह कन्हैया मिसल नाल संबंधित सी। नैक्सट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह दे माता पिता दा नाम दसो। माता राज कौर, पिता महा सिंह। उन्हां दे माता दा नाम जिहड़ा राज कौर सी ते पिता दा नाम महा सिंह सी। नैक्सट क्वेश्चन, रणजीत सिंह दी माता नूं की कहा जांदा सी? माई मलवैन। माई मलवैन कहा जांदा सी। जमजमा की सी? एक प्रसिद्ध तोप। जमजमा की सी? एक प्रसिद्ध तोप सी। जमरोद की लड़ाई कदों हुई? 1837। महाराजा रणजीत सिंह की मौत कदों हुई? 27 जून 1839। 13 नवंबर 1780 उन्हों का जन्म होया सी। 27 जून 1839 जड़ा उन्हों की मौत हो गई सी। महाराजा रणजीत सिंह ने वफा बेगम तो की प्राप्त किया सी? कोहिनूर हीरा। वफा बेगम तो की प्राप्त किया सी? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया सी। जॉर्ज थॉमस कौन सी? वह एक अंग्रेज़ सी अते उसने हांसी विखे एक स्वतंत्र राज की स्थापना कर ली सी। जॉर्ज थॉमस कौन सी? वह एक अंग्रेज़ सी अते उसने हांसी विखे एक स्वतंत्र राज की स्थापना कर ली सी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी का की नाम सी? लाहौर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को, महाराजा रणजीत सिंह का सिविल और सैनिक प्रबंध चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने किहड़े सेनापति की मौत पर महाराजा रणजीत सिंह ने कई दिन रोंदा रहा? सरदार हरी सिंह नलुआ। किहड़ा सेनापति सी? सरदार हरी सिंह नलुआ। सैकेंड क्वेश्चन, शाही घराने अते राज दरबार की देखभाल करन की जिम्मेवारी किहड़े राज अधिकारी की सी? ड्यूटी वाला। थर्ड क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह ने भूमि लगान का हिसाब रखने लिए किहड़ा दफ्तर बनाया सी? दफ्तरे माल। किहड़ा दफ्तर सी? दफ्तरे माल। नैक्सट क्वेश्चन है, दफ्तरे तोशाखाना विच की रखा जाता सी? बहुमुलिया वस्तुओं से महाराजा नूं मिले हुए तोहफे। भूमि लगान वाला जिहड़ा हिसाब रखने लिए दफ्तर सी वह हैगा सी दफ्तरे माल। एक हैगा सी दफ्तरे तोशाखाना जिस विच बहुमुलिया वस्तुओं से महाराजा नूं मिले तोहफे रखे जाते सी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज नूं किन्ने सूबे विच वंडिया? इसका आंसर है 4। नैक्सट प्रश्न, सूबे का प्रबंध चलाना किसकी जिम्मेवारी सी? नाजिम दी। सूबे का प्रबंध चलाना किसकी जिम्मेवारी सी? नाजिम दी। परगने का प्रबंध कौन चलाउंदा सी? कारदार। कारदार की सहायता करने लिए किहड़े अधिकारी हुंदे सन? कानूनगो अते मुकदम। कानूनगो अते मुकदम जो कारदार की मदद करते सहायता करते। नैक्सट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन की सब तो छोटी इकाई केड़ी सी? सब तो छोटी इकाई वाले प्रश्न के अपना उत्तर आएगा पिंड। महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन की सब तो छोटी इकाई पिंड सी। महाराजा रणजीत सिंह के समय पिंड नूं की कहा जाता सी? मोजा। मोजा कहा जाता सी। पिंडा का प्रबंध कौन चलाउंदा सी? पंचायत। पिंडा का प्रबंध है जिहड़ा वह कौन चलाउंदा सी? पंचायत। पिंड की जमीन का रिकॉर्ड कौन रखता सी? पटवारी। प्रबंध पंचायत द्वारा चलाया जाता सी, रिकॉर्ड जिहड़ा जमीन का पटवारी द्वारा रखा जाता सी। नैक्सट क्वेश्चन, भूमि लगान इकट्ठा करने विच सरकार की सहायता कौन करता सी? चौधरी। लाहौर शहर का मुख अधिकारी कौन सी? कोतवाल। महाराजा रणजीत सिंह के समय लाहौर का कोतवाल कौन सी? इमाम बख्श। लाहौर शहर का जिहड़ा मुख्य अधिकारी वह कोतवाल हुंदा सी ते महाराजा रणजीत सिंह दे समय जिहड़ा लाहौर का कोतवाल सी इमाम बख्श। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी आमदन का मुख सोमा की सी? भूमि लगान। जिहड़ा भूमि लगान लोगों तो लिया जाता सी राज दी आमदन का मुख साधन सी मुख सोमा सी। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी कुल सालाना आमदन किन्नी सी? लगभग 3 करोड़ रुपए। सालाना आमदन किन्नी सी? लगभग 3 करोड़ रुपए। महाराजा रणजीत सिंह दे समय प्रचलित कोई 3 भूमि लगान प्रणालियां दे नाम? बटाई, कनकूत, जप्त, बिग्गा।
तुसी कोई तीन लिखने ने इत्थे फोर दस दियां बटाई कनकोत जपत अते विग्गा। जपत प्रणाली नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा सी? नगद प्रणाली। जपत प्रणाली नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा सी? नगद प्रणाली। ते केड़ी भूमी लगान प्रणाली विच लगान दी दर खड़ी फसल नूं देख के तय की जाती सी? कनकोत। कनकोत लगन प्रणाली विच जिहड़ी फसल दा जिहड़ा तय किया जाता सी, भूमि लगान तय किया जाता सी, वह खड़ी फसल नूं देख के तय किया जाता सी। केड़ी भूमि लगान प्रणाली विच लगान दी दर है जिहड़ी खड़ी फसल नूं देख के तय की जाती सी? कनकोत। इजारदार कौन सन? नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, इजारादार कौन सन? भूमि लगान इकट्ठा करने लिए नियुक्त किए गए ठेकेदार। इजारादार नूं भूमि तो लगान इकट्ठा करने का अधिकार किन्ने समय लिए दिता जाता सी? तीन तो छे साल लिए जिहड़ा समा दिता जाता सी। नैक्सट क्वेश्चन, भूमि लगान तो बाद राज दी आमदन का दूजा मुख साधन किहड़ा सी? चुंगी कार। मुख साधन जिहड़ा राज दी आमदन का सी वह हैगा सी भूमि लगान, उस तो इलावा जिहड़ा दूजा मुख साधन सी वह हैगा सी चुंगी कार। अफीम भंग शराब अते होर नशीलियां चीज़ां ते लगाए गए कर नूं की कहा जाता सी? आपकारी। महाराजा रणजीत सिंह दे समय केड़ियां जागीरां दी गिनती सब तो वध सी? सेवा जागीरां दी। केड़ियां जागीरां दी जिहड़ी गिनती सब तो ज़्यादा सी? सेवा जागीरां दी। महाराजा रणजीत सिंह ने घोड़ियां नूं दागण दी परंपरा कदों शुरू की? 1830 विच। धार्मिक संस्थावां नूं दित्तियां गईयां जागीरां नूं की कहा जाता सी? धर्मार्थ जागीरां। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी सब तो उच्ची अदालत केड़ी हुंदी सी? महाराजा दी अदालत। अदालत आला किथे स्थित सी? लाहौर विच। पिंडां विच झगड़ियां दे फैसले कौन करदा सी? पंचायत। पहला ही अपन दस्या गया कि पिंडां दा जिहड़ा सारा संचालन आ किस दे हत्थां विच हुंदा सी? पंचायत दे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज नूं किहड़े दो भागां विच वंडिया सी? फौज ए आयन अते फौज ए वेकवायद। दो भागों में वंडिया सी, फौज ए आयन अते फौज ए वेकवायद। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज नूं सिखलाई देने लई किहड़े यूरपी अधिकारी की नियुक्ति की? जनरल वेंतुरा। फौज नूं सिखलाई देने लई किहड़े यूरपी अधिकारी की नियुक्ति की सी? जनरल वेंतुरा। नैक्सट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का तोपखाना किन्ने वर्गों में वंडिया होया सी? चार। नैक्सट क्वेश्चन, फौज ए किला जात का काम का मुख्य काम की सी? किल्यां दी रक्षा करना। किला जात तो जिहड़ा तुसीं निशानी रख सकदे हो कि किल्यां दी रक्षा करना इसका मुख्य काम सी। महाराजा रणजीत सिंह दे एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री का नाम? राजा ध्यान सिंह। महाराजा रणजीत सिंह दे विदेश मंत्री का नाम की सी? फकीर अजीज़ उद्दीन। महाराजा रणजीत सिंह से जिहड़े विदेश मंत्री से उन्हां दा नाम सी फकीर अजीज़ उद्दीन। महाराजा रणजीत सिंह दे कोई दो प्रसिद्ध वित्त मंत्रियों के नाम? दीवान भवानी दास, दीवान गंगा राम, दीवान दीनानाथ। कोई दो दसने ने थ्री दसते, दीवान भवानी दास, दीवान गंगा राम, दीवान दीनानाथ। महाराजा रणजीत सिंह की सेना का मुख्य सेनापति कौन सी? महाराजा रणजीत सिंह आप ही सी। नैक्सट क्वेश्चन का आंसर है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के दो प्रसिद्ध सेनापतियों के नाम? दीवान मौकम चंद, मिसर दीवान चंद, सरदार हरी सिंह नलुआ। नैक्सट क्वेश्चन है, तिकड़ी की सरप्रस्ती तो की भाव है? तिकड़ी की सरप्रस्ती का समा जिहड़ा किसनू कहा जाता, तिकड़ी की सरप्रस्ती का काल किसनू कहा जाता, जिहड़ा एक क्वेश्चन पूछा होगा तुहानू उस दे विच अपना आंसर है 1792 ईस्वी तो 1797 ईस्वी विच, जदों महाराजा रणजीत सिंह नाबालग सी तां राज सत्ता जिहड़ा राज प्रबंध आ उह तीन व्यक्तियों के हाथ विच सी। किहड़ा समा सी? 1792 ईस्वी तो 1797 ईस्वी का, जदों महाराजा रणजीत सिंह ने जिहड़े वह नाबालग सी उस समय जिहड़ा राज प्रबंध आ तीन व्यक्तियों के हाथ विच सी, राज कौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह दे माता जी सी, दूजे दीवान लखपत राय दे ते सदा कौर उन्हां दे सस सी। इन्हां तिन्नां दे जिहड़े हाथ विच राज प्रबंध सी जिस करके 1792 तो 1797 दे समय नूं आ जिहड़ा तिकड़ी दी सरप्रस्ती तो काल कहा जांदा है, तिकड़ी दी सरप्रस्ती दा काल। इस तो इलावा जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकदा कि ड्यूटी वाला दा जमादार कौन सी? जमादार खुशहाल सिंह सी।
नैक्सट क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह का आचरण और शख्सियत चैप्टर के महाराजा रणजीत सिंह की शाही मोहर उत्ते किहड़े शब्द उकरे हुए सन अकाल साहे किहड़े शब्द उकरे हुए सन अकाल साहे महाराजा रणजीत सिंह किस तो हुक्म लैके युद्ध करने लिए जाता सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को महाराजा रणजीत सिंह के अस्तबल के सब तो चंगे घोड़े का नाँ की सी लैली महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के कोई दो उगे विद्वाना के नाँ लिखो सोहन लाल सूरी दीवान अमरनाथ सोहन लाल सूरी और दीवान अमरनाथ सोहन लाल सूरी ने केड़ी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की उमदत उत तवारीख उमदत उत तवारीख नैक्सट क्वेश्चन जफरनामा रणजीत सिंह की रचना किसने की दीवान अमरनाथ ने नैक्सट है जी सैवंथ क्वेश्चन गणेश दास वडेरा महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में किस अहदे ते काम करता सी कानून को दे अहदे ते गणेश दास वडेरा ने केड़ी पुस्तक की रचना की चार बागे पंजाब नैक्सट क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह अपने तोशेखाने विच रखी हुई केड़ी चीज़ की छो नू अपने लिए वड़भागा मानता सी गुरु गोबिंद सिंह जी की कलगी नू किस चीज़ नू गुरु गोबिंद सिंह जी की कलगी नू नैक्सट क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह नू होर किस नाम नाल जाने जांदा है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अपनी सरकार नू किस नाम हेठ चलाउंदा सी सरकारे खालसा महाराजा रणजीत सिंह अपनी सरकार नू किस दे नाम हेठ चलाउंदा सी सरकारे खालसा नैक्सट महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबार नू किस नाम नाल बुलाउंदा सी दरबारे खालसा अपनी सरकार जिथे सरकार वाला क्वेश्चन है उत्थे है सरकारे खालसा जिथे दरबार वाला क्वेश्चन उत्थे है दरबारे खालसा नैक्सट महाराजा रणजीत सिंह अपने आप नू की कह के बुलाउंदा सी सिख पंथ दा कुकर महाराजा रणजीत सिंह ने किस दे नाँ ते सिक्के चलाए गुरु नानक देव जी अते गुरु गोबिंद सिंह जी दे एसी जी शॉर्ट क्वेश्चन प्लस टू क्लास दे लई हिस्ट्री दे थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़